माने अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के हमने भाषण में उल्लेख किया, हमने ऐसा तो नहीं है कि पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। यहां चर्चा हो रही थी ये डैम बना, वो डैम बना, टिकना डैम बना, फलाना डैम बना, काफी कुछ चर्चा हुई। अच्छा होता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का उल्लेख होता। हिंदुस्तान में पानी के संबंध में जितने भी इनिशिएटिव लिए गए थे वो सारा काम बाबा साहब अम्बेडकर के। लेकिन खैर, एक सीमा के बाहर बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद दिखता नहीं है। और बाबा साहब ने सेंट्रल वाटरवेज, इरिगेशन, नेविगेशन, और बाबा साहब पानी के संबंध में कहते थे, मैं समझता हूं आज के लिए बाबा साहब के आदेश हम सबके लिए उपयोगी है। वो कहते थे, मैन सफर्स मोर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर देन फ्रॉम एक्सेस ऑफ इट। मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी उस चिंता को समझते हुए हमने कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। यहां पर अनेक डैम की बात हुई, उसमें सरदार सरोवर डैम की भी बात आई। तो मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं मान्यता जी, क्योंकि कभी क्या होता है कि ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं। अच्छा, इनकी इकोसिस्टम ऐसी है कि उसको भी उसी को आगे बढ़ाने में मजा आता है, सत्य कभी उजागर नहीं करने देते। मेरे आज बोलने के बाद भी सत्य आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, यही रह जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपना कर्तव्य पालन का संतोष जरूर होगा। ये सरदार सरोवर डैम 1961 में पंडित नेहरू ने उसकी नींव रखी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो सपना था, लेकिन नींव रखी गई 61 में। और दशकों तक मंजूरियां नहीं, पत्थर तो गाड़ दिया गया बिना मंजूरियां, और उस समय 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो पूरा होते होते 60-70 हजार करोड़ पर पहुंच गया। ये देश की क्या सेवा की आप देखिए। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के समय भी उसको रोकने का प्रयास हुआ। 86-87 में 6000 करोड़ का खर्चा 62000 पहुंचा, हमने आकर के इसको पूरा किया। मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था, यूपीए सरकार के खिलाफ मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था मुख्यमंत्री को, क्योंकि सारी चीजें रोक दी गई थी। और तब जाकर के योजना, और अभी मैंने इसको पूरा किया, अभी प्रधानमंत्री बनने के पहले 15 दिन में मैंने जो उनको रुकावटें थी सारी हटाने का काम किया था। आज करीब 4 करोड़ लोगों को पानी मिल रहा है, 7 महानगरों को, 160 नगर पालिकाओं को और 9000 गांव को पीने का शुद्ध पानी पहुंच रहा है। पानी की तकलीफ क्या होती है वो राजस्थान और गुजरात के लोग ज्यादा जानते हैं, और इसलिए इस बार हमने जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाया है। जल संकट को हमने गंभीरता से लेना होगा, और इस सीजन में भी हम जितना बल जल संचय पर दें हमने देना चाहिए। और मेरी सभी आदरणीय सांसद महोदयों से प्रार्थना है, सभी एनजीओ से प्रार्थना है कि हम देश में पानी का महात्म्य बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान करें, और सरकारी दायरे से बाहर होकर के करें। पानी बचाना है, इस काम को कर करके हम सामान्य मानवीय की जिंदगी को बचाने में मदद कर सकते हैं। और पानी का संकट दो लोगों को सबसे ज्यादा संकट पैदा करता है, वो गरीब को और विशेष करके हमारी माताओं बहनों को। हमारे समाजवादी मित्रों का क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोहिया जी बहुत आग्रह से कहते थे कि इस देश की महिलाओं को दो समस्याएं हैं, पानी और पैखाना। लोहिया जी लगातार कहते हैं कि इन समस्याओं से इन माताओं बहनों को मुक्त करो।
पैखाने की संकट था, शौचालय बना करके माताओं और बहनों को इज्जत देने का लोहिया जी का सपना पूरा करने के लिए हमने जी जान से काम किया, और अब पानी पर ही इतना बल और हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। मैं जानता हूं ये कठिन काम है, बड़े काम है, हो सकता है कोई इसको तराजू पर तोल करके हमें फेल भी कर देगा कि मोदी तुमको 100 में से 70 मार्क नहीं मिलेंगे, 50 मिलेंगे, जो भी होगा, लेकिन किसी ने तो इस हाथ लेना लगाना पड़ेगा। हमने लगाया है, जल शक्ति मंत्रालय की बात कही है, जल संचय दूसरी जिम्मेवारी है, जल सिंचन दुनिया में प्रूवन है कि शुगर केन की खेती में माइक्रो इरिगेशन फायदा करता है, लेकिन अभी भी हम फ्लड इरिगेशन, किसानों को कौन समझाएगा माइक्रो इरिगेशन के लिए, कौन समझाएगा? सरकार की योजना है, पैसे मिल सकते हैं, पानी बचाने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ऐसी अनेक चीजें हैं जिसकी ओर हमें बूंद बूंद पानी बचा करके देश को कैसे ले जाए।